new vlog. अभी फिर से. Hello guys, welcome to my new vlog. तो आज हम swimming pool से start कर रहे हैं अपना vlog. और ये कन्वी भी आ चुकी है क्योंकि छोटी हाइट का इसलिए डर तो लगता नहीं है. नहीं, कन्वी भी आ गई. और मिलते हैं. अभी हम सिंक्यू बीच पर थे पहले और अभी मुझे बहुत मजा आ रहा है और अभी बारिश भी हो रही है हल्की हल्की. बहुत अच्छा वेदर है. हेलो गाइस, तो अभी हम देखते हैं टिकट विकेट तो पहले तो नहीं थी, लास्ट टाइम भी आया था और अभी आपको लेके चलते हैं इसके अंदर, ओल्ड गोवा चर्च के अंदर. और काफ़ी बढ़िया है, देखने लायक है. अभी बिल्कुल चर्च के गेट के पास आ चुके हैं और अभी आपको लेके जा रहे हैं अंदर. This is the veranda of this church, जिसको हम बरांडा बोल देते. This is the बेड़ा, look like a बेड़ा veranda, old गोवा चर्च. बहुत बड़ी चर्च है यहाँ की, ये ओल्ड गोवा की और पुराने टाइप है. हेलो गाइस, आप देख सकते हैं अभी हम चर्च से बाहर आ चुके हैं और बहुत ही मस्त वेदर है. हल्की हल्की धूप है और इधर चारों तरफ की बिल्डिंग्स और सॉरी चर्च हैं जो आप देख सकते हैं. काफ़ी अच्छा वेदर है. टाइम वी आर एट गोवा, ओल्ड गोवा एंड विट. व्हाट इज योर नेम सर? व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है सर का? ओके, नो इशू. दिस इज दी बैक साइड ऑफ चर्च. यार बहुत मजा आ रहा है, मौसम अच्छे होने की वजह से अच्छा लग रहा है ना. सो दिस इज द मेन स्टोरी ऑफ दिस चर्च. यू कैन सी बहुत ही अच्छा यू कैन सी. दिस इज ओल्ड गोवा. चर्च का इतिहास तो हमें भी नहीं पता. इसमें ये बोला जाता है कि इसके अंदर एक ओल्ड ममीज करके, इसको ममीज बोल देते हैं, उनकी डेड बॉडी है. सो क्रिश्चियन लोग ज़्यादा है. ओल्ड गोवा काफ़ी फेमस है क्योंकि सबसे पुराना जो गोवा का पार्ट है वो ओल्ड गोवा है. एक सामने भी वो चर्च है ओल्ड गोवा में, बट मे बी उसमें हम नहीं जा पाएंगे. सो आप वेदर देख सकते हैं, आप आ सकते हैं जुलाई के एंड में. आपको बारिश ज़्यादा नहीं मिलेगी. अगर आप आते हैं जुलाई के मिड में या स्टार्टिंग में जून में, तो आपको बारिश ज़्यादा मिलेगी. सो दिस इज़ ऑसम ऑसम वेदर, ऑसम सर चर्च. आपको ज़रूर आना चाहिए. बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत बढ़िया नज़ारा.